हेलो एवरीवन, अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर का आदर्श लेसन प्लान कैसे बनाएं। आदर्श पाठ्य योजना नंबर 4, सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी विद्यालय का नाम, दूसरा है छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद कक्षा किस क्लास के हैं, फिर कौन सा विषय होता है, कालांश कौन सा है और अवधि कितनी है, आपको 45 मिनट डालना है, ठीक है। फिर प्रकरण हेडिंग डालेंगे, प्रकरण लिखेंगे खनिज लवण। सामान्य उद्देश्य अगली हेडिंग पड़ेगी, सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना। तीसरा है घरेलू कार्यों एवं स्वच्छता संबंधित महत्व बताना। चौथा है छात्रों को रोग से सामान्य कारणों से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे जो कि इस प्रकार से है, छात्र पोषक तत्व खनिज लवण को जान सकेंगे, इसके बारे में जान सकेंगे, छात्र खनिज लवण के स्रोतों को बता सकेंगे, छात्र खनिज लवण कार्य एवं के कार्य एवं महत्व का वर्णन वर्णात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी होगी सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर उसके बाद अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पोषक तत्वों तथा उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको हेडिंग डालनी होती है प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें लिखेंगे दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, इसमें लिखेंगे छात्र कथन या क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र यानी सॉरी यहाँ पे छात्राध्यापक कथन या क्रिया, यहाँ पे छात्र कथन या क्रिया। इसमें पहला पॉइंट होगा बच्चों नमक कैसे उपयोग करना चाहिए, तो उत्तर में लिखेंगे आयोडीन युक्त। दूसरा है आयोडीन प्राप्ति के स्रोत बताएं, तो इसमें लिखेंगे समुद्र के पानी से बना आयोडीन। दूसरा फिर अगला प्रश्न करेंगे समुद्री पानी से बने नमक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगला आपका हेडिंग होगा उद्देश्य, उसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोग खनिज लवण के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। फिर अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, फिर छात्र कथन या क्रिया, सैंपट कार्य, खनिज लवण क्या है, छात्र मौन हो जाएंगे यहाँ पे, अब इसका स्पष्टीकरण छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक करेंगे। इसमें लिखेंगे खनिज एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जो प्राकृत में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, या विटामिन की तरह शरीर को स्वस्थ रखने तथा संचालन में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण हड्डियों दांतों व मांसपेशियों का निर्माण करते हैं तथा कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रमुख खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि है। अब कैल्शियम, फास्फोरस, लौह इत्यादि इसका आप जो कैसे लिखा जाता है रासायनिक नेम इस प्रकार से लिखते हैं, फास्फोरस है, आयरन है, ठीक है, Fe है, आयरन को Fe बोलते हैं इत्यादि, इसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के अगले प्रश्न में अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। फिर अगला आपकी हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप पूछ सकते हैं बच्चों से खनिज लवण रक्त निर्माण में सहायक होता है, कैसे होता है बच्चों से पूछेंगे। दूसरा प्रश्न होगा आयोडीन समुद्री जल से प्राप्त होता है या नहीं, तो बच्चे इसका जवाब देंगे हाँ, उसके बाद ग्रे कार्ड दे देंगे। इसमें लिखेंगे खनिज लवण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके साथ आपका चौथा भी लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे पहले आपने 3 लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।